ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली T20 मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 हुई घोषित। इस दिग्गज खिलाड़ी को मिला मौका और इस बड़े मैच विनर को टीम से किया गया बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सभी चाहते हैं कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में जीत हासिल करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है। इस सीरीज का आगाज 20 सितंबर यानी मंगलवार से होगा, जो कि पंजाब में खेला जाना है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे भारत या ऑस्ट्रेलिया फटाफट क्रिकेट में आमने सामने की टक्कर में किसका पलड़ा है ज्यादा भारी। जी हां दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आमने सामने की भिड़ंत में अब तक मेजबान का पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। T20 फॉर्मेट में दोनों ही टीमों के बीच कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान 13 बार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया, वहीं 9 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बाजी मारकर हराया। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत की सरजमी पर खेले जाने वाले T20 मुकाबले काफी ज्यादा टक्कर के होते हैं। बता दें कि इन दोनों ही टीमों ने इस फॉर्मेट में भारत के मैदानों पर कुल 7 मैच खेले हैं। इस दौरान 4 बार मेजबानों ने मुकाबला जीता है, वहीं 3 बार मेहमानों ने बाजी मारी है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 क्रिकेट में आग उगलता है। विराट ने अब तक एरन फिंच के टीम के खिलाफ कुल 19 मुकाबले खेले हैं, जिसके दौरान उन्होंने 59.83 की औसत और 146.23 की स्ट्राइक रेट से 718 रन जड़े हैं। विराट 6 बार नॉट आउट रहे हैं और उन्होंने 7 बार अर्धशतक की पारी खेली है। दूसरी तरफ कप्तान एरन फिंच ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 15 मुकाबलों में 440 रन बनाए हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 क्या होगी। तो उस प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, आर अश्विन, यजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह होंगे। तो दोस्तों, आपके अनुसार वह कौन सा खिलाड़ी है जिसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में मौका मिलना चाहिए, कमेंट में उस खिलाड़ी का नाम जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।